बना रही हूँ चिकन यखनी बिरयानी, जिसके लिए मैं 2 केजी चिकन लेके इसे अच्छे से धुल के रख ली। ये 2.5 केजी चावल है जिसे मैं धुल के थोड़ा पानी डाल के इसे छोड़ दी हूँ। कम से कम आप 20 से 25 मिनट इसे ज़रूर रखें सोख के लिए। देखिए, एक मैं बड़ा पतीला ले ली, इसमें मैं 5 गिलास पानी रख दी हूँ। पानी में थोड़ा बॉयल आ गया है। एक बड़े साइज का प्याज जिसे मैं मोटा मोटा कट कर ली हूँ इसमें ऐड कर दें। ये 2 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, जावित्री, दालचीनी, जायफल, काली मिर्च, तेजपत्ता, अदरक, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, 1 लहसुन। सारे मसाले को मैं इस पानी में डाल दूंगी। आप इस पानी में इसे 2-4 मिनट जरूर पकने दें, इसका पूरा जोश इसमें निकल जाएगा। देखिए, मैं पानी के साथ इसे अच्छे से पका ली, इसका जूस अच्छे से निकल गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, क्योंकि चिकन और ये सारे मसाले पानी एक साथ डालो तो चिकन गल जाता है और इसका जूस अच्छे से नहीं निकलता है। देखिए, ये हो गया, मैं इसे उतार ली चूल्हे से और ये चावल के साथ भी पकेगा। अब मैं इसे इस पानी से चिकन को निकाल दूंगी, बाकी जो भी है मैं छान के उसे अलग कर लूंगी और पानी को अलग कर लूंगी। देखिए, मैं एक पतीला रख ली, अब इसमें मैं ये ओलिव ऑयल है, आप इसके जगह कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऑयल ले लें। और इसमें घी भी डाल दी 2-3 टीस्पून, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। अब देखिए, इसमें ये 4 बड़े साइज के प्याज जिसे मैं स्लाइस में कट कर ली इसमें डाल दूंगी। देखिए, ये प्याज लाल हो गया। अब मैं ये लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 3 टीस्पून लहसुन था, 2 टीस्पून अदरक, 12 से 13 हरी मिर्च जिसे मैं ग्राइंड करके इसमें डाल दी। इसे मिक्स कर लें। तो इसी में मैं ये 4 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैं स्लाइस में कट कर दी हूँ इसमें ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब इसे मिक्स कर लें। देखें, ये मसाले अच्छे से भून रहा है। अब मैं इसमें काजू है और बादाम है, आप इसके जगह नारियल भी सिर्फ ले सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अगर ये डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दही मैं 250 इसमें ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी। देखें, ये मसाला अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें ये लहसुन जो मैं पानी में डाल के बॉयल की थी ना, उसमें सिर्फ मैं लहसुन उसमें से निकाल के इसमें डाल दी हूँ और ये चिकन इसमें ऐड कर लें। चिकन ऐड करके मैं हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट इसे भून लूँगी। देखिए, ये मसाले के साथ मैं इसे भून ली। अब ये जो पानी मैं छानी थी ना, मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए, बॉयल आ गया। अब मैं चावल उसमें डाल दूँगी। इसमें ये 4-5 हरी मिर्च है, इसे ऐड कर दूंगी। थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना पत्ती, थोड़ा धनिया पत्ती डाल के इसे मिक्स करके 1 ढक्कन लगा दूंगी। अब इसे बॉयल आने के लिए वेट करें। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, देखते रहिएगा। देखिए, मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दी। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। देखें, ये हो गया, मैं चूल्हे को ऑफ कर दूँगी। देखें, ये फूड कलर है, इसमें डाल दें, बिरयानी ऐड कर दें, केवड़ा एसेंस,